अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, क्या क्या उम्मीद है, आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये मुजम्मल भाई मुझे सरप्राइज देने आए थे, ये उन्होंने ड्रोन लिया है। कौन सा लिया भाई, दिखाएं जरा। तो ये ड्रोन लिया है मुजम्मल भाई ने, तो आपको बताएंगे ये कौन सा ड्रोन है, कितने का लिया है। अभी जा रहे हैं हम M718। तो बताते हैं अभी गांव जा रहे हैं हम, वहाँ पे एक वीडियो भी शूट करने का रहता है और ये भी हम चला के देखेंगे खुली जगह में फिजा में। यहाँ पे मैं उड़ाता हूँ लेकिन ना बहुत खतरा होता है घर में गिरने का, तो हम अपने वहाँ अपने खेतों में जा रहे हैं, तो वहाँ जाके चलाते हैं। अभी जी हम पहुंच चुके हैं गांव के, ये दूसरा जो हमारा रास्ता है, आपको बताया था पहले रास्ते में भी कि वहां से ये जो छोटी नहर है, आज तो पानी इसमें ज्यादा, आज तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा इसके, पानी यहाँ ज्यादा है। तो ये छोटी नहर है जो वहां पे भी पुल है, तो वो आगे से मेन रास्ता जा रहा है गाँव का, जैसे वो दिखाएंगे मैं आपको, वो जहाँ से आपको पानी आता नजर आ रहा है कि नहीं, वहां से भी एक पुली है, तो वो दूसरा रास्ता जा रहा है हमारे गाँव को। तो अभी हम यहाँ पे ड्रोन उड़ाने लगे हैं मुजम्मल भाई का। ड्रोन वगैरह जो हमने उड़ा रही है बैटरी खत्म हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं गांव की तरफ। जी हमारे गांव का ये लड़कियों का स्कूल था बहुत पुराना, तो अभी इसके बारे में हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, ड्रोन स्टोरी, अब से ज्यादा ये रहा है। तो अभी पता नहीं किसी वजह से ये स्कूल बिल्कुल वीरान हो गया, पता नहीं कितने सालों से ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने जो स्टोरी सुनी है तो मुझे तो डर लगता है इसके अंदर जाने से। तो जिसके जो दरवाजे वगैरह थे तो वो सब उखाड़ लिए गए हैं, तो ये अब खंडराट का जो मंजर है वो पेश कर रहा है, लोग अपने मवेशी वगैरह इसमें बांध देते हैं। तो ये आप सामने भी देख रहे हैं क्या हाल चाल है इसका। तो ये लड़कियों का स्कूल था गवर्नमेंट का, तो अभी हालत में है ये। तो इसी के साथ जो है वहाँ पे दोस्त हैं जो वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। स्कूल के बिल्कुल ही करीब ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे लड़के जो हमारे गांव के हैं वो क्रिकेट खेलते हैं यहाँ। तो यहाँ पे कबड्डी भी खेली जाती थी किसी दौर में, लड़के कबड्डी भी खेलते थे। अब कबड्डी का जो रुझान है वो कम हो गया है और क्रिकेट का रुझान है वो ज्यादा हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे गाँव के जो हमारे लड़के हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी जी हम जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंजर है, और कारपेट रोड है हमारे गाँव को, दूसरी तरफ से भी कारपेट रोड ही लगता है हमारे गांव। हमारे गांव को लगता है 139 GB, उससे कारपेट रोड लगता है, फिर हमारे गांव को लगता है 138 GB को, और फिर इस यही रोड आगे चला जाता है 50 GB गांव में, तो उसको भी यही कारपेट रोड लगता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम गांव की तरफ जा रहे हैं, तो सामने आपको जो नीला बोर्ड है गाँव का वो नज़र आ रहा होगा, चक नंबर 138 गांव पे बड़ा सियाना। तो ये हमारे गाँव यहाँ से शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है गांव का। तो ये जी हमारे गांव के बच्चे हैं जो वो अपना जानवर और साथ जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये जी हमारे गांव का मशहूर सूफी बदरुद्दीन का डेरा है,
जो कि दम वगैरह करते हैं, हमारे गांव के मशहूर बुजुर्ग हैं ये। तो ये जी हमारे गांव का एंट्रेंस है, यहाँ से हमारा गांव पीछे से यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से पीछे से यहाँ से शुरू होता है, तो ये हमारे गांव का है। तो ये आप देख सकते हैं सामने आ रहा है जी हमारे गांव का जो जौहर, हम मैंने बताया था पिछली वीडियो के में कि मेरे गाँव को चार जौहर लगते थे, जिनमें से अब ये दो रह गए हैं, एक पहले दिखा दिया था, अब ये दूसरा जौहर है। तो आप देख सकते हैं कि आपको मंजर दिखाया जा रहा है जौहर का, कि ये जौहर है जो ये रह गया, तो बाकी जो दो जौहर हैं वो पार्क्स वगैरह में तब्दील हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों ने अपने गायें वगैरह बांधी हुई थी। ये जी गांव के बच्चे जो हैं बैंटे खेल रहे हैं ये हम भी छोटे होते खेला कर लेते, आप नहीं खेलते। तो ये देख ले ये अपना मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो ऐसे हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो भी बैंटे वगैरह खेल रहे थे, तो मैंने सोचा वो भी आपको दिखा दूं। तो ये है जी हमारे गांव का ये स्कूल है बच्चों का, तो साथ ही मेरे चाचू का घर है। तो ये जो है हमारा मोहल्ला है, तो आप देख सकते हैं बच्चा साइकिल अपनी न्यू साइकिल लेके खड़ा है, देख रहा है इधर उधर। तो ये जी हमारा रिश्तेदारों के घर है यहाँ पे, तो ये भी हमारा घर था, ये जो प्लाट आपको नज़र आ रहा है हमारा अबाई घर था यहाँ पे, तो अभी वो घर नहीं रहा। तो ये जो चौक है ये गाँव का मेन चौक है, तो मेन चौक पर हमारा घर था ये। तो अभी हम जा रहे हैं जी गाँव के बाहर की तरफ। तो ये जी थी हमारे गांव की वीडियो। तो पिछली वीडियो में मैंने आधा गांव दिखाया था, तो लोगों का इसरार था कि पूरा गांव क्यों नहीं दिखाया। तो आज मैंने कोशिश किया कि दूसरे एंगल से और दूसरे रास्ते से गांव में एंट्री करें और गांव को दिखाएं कि हमारा गांव दूसरे रास्ते से भी ऐसा ही है जैसे कि मेन रास्ते से था। तो उम्मीद है कि आपको ये जो आज वाली गाँव की वीडियो है तो ये आपको अच्छी लगी होगी। तो मैंने कोशिश की थी कि जो मेरी प्रीवियस गाँव की वीडियो थी उसमें जो गलतियाँ थी, जो कोताहियाँ थी, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि वो इस वीडियो में बहुत काम करने की कोशिश की है। एक तो जर्क था जो पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा था, तो वो इस वीडियो में काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है। और कुछ ऐसी मालूमात थी जो मैं पिछली वीडियोज़ में, जो कि आवाज़ की वजह से ज़ाया होगी, तो मैंने कोशिश की है कि वॉइस ओवर लगा के तो आपको वो मालूमात दी जाएँ ताकि आवाज़ की वजह से वो जो मालूमात हैं वो ज़ाया ना हो, तो आप तक पहुँच जाएँ। तो आपने देखा होगा कि हमारे गाँव के जो बच्चे हैं तो वो नेचुरल जो गाँव का होता है माहौल, तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की थी आपको। तो बाकी हमारे गांव में आपने ये भी देख लिया होगा कि हमारे गांव के चारों कॉर्नर और दरमियान जो चौक है गांव का, तो वो भी कारपेटेड रोड है, तो ऐसा वैसा नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं 138 GB बड़ा रसायन से हूँ, तो मुझे फ़ख्र है कि हमारा गांव जो है तो बहुत अच्छा गांव है, तो खूबसूरत गाँव है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज की वीडियो है तो आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो हमारे 138 का भी के जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बाप हैं, तो उन्हें चाहिए कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लिए मोटिवेशन बने। तो मैं कोशिश करूँ और भी आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो आप नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये विलेज लाइफ की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये तो मैं अपने गाँव की लेके आया हूँ, आप कोई और गाँव वो विज़िट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखें कि कौन सा गांव है जो आप विज़िट करना चाह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस गांव का आपको विज़िट करवाऊं। तो आज की वीडियो थी यहीं तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।